ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हूँ। मैं ईशान अरवाल, आज खबर भवानी मंडी राजस्थान से। भारत विकास परिषद भवानी मंडी, भवानी मंडी से 40वां नेत्रदान। मन्नूभाई महाराज की आंखों से दो नेत्रहीनों को मिलेगी नई नेत्र ज्योति। पचपाड़ मुक्ति धाम में लिया नेत्रदान। पचपाड़ निवासी सेना में कैप्टन के पद से सेनानिवृत्त एवं विख्यात भगवत कथावाचन दुर्गा शंकर नागर। मन्नूभाई महाराज के देहावसान होने के बाद पुत्र राजेश नागर एवं भतीजे डॉक्टर ललित नागर एवं अनुज नागर के द्वारा नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई, जिस पर भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचना देने पर वहाँ से नेत्र उत्सर्जन टीम ने 5:30 बजे कार से भवानी मंडी आकर नेत्रदान प्राप्त किया। तय समय पर शव यात्रा मुक्तिधाम पहुंच चुकी थी। ऐसे में मुक्तिधाम में ही सभी परिजनों, रिश्तेदारों एवं नगरवासियों के बीच नेत्रदान संपन्न हुआ। डॉक्टर जे के अरोड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, कालूलाल सालेचा, राजेश नाहर, राकेश तलवाड़िया आदि गणमान्य उपस्थित सभी लोगों ने नेत्रदान की प्रक्रिया को देखा और जाना कि नेत्रदान में किसी भी तरह की चेहरे पर विकृति नहीं आती है। इसमें केवल आंखों के ऊपर की झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, को ही निकाला जाता है। इसमें पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। यह प्रक्रिया 10 मिनट में ही पूरी हो गई। नेत्र उत्सर्जन के बाद दाह संस्कार किया गया। परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि मृतक दुर्गा शंकर जी मनु महाराज का कॉर्निया अच्छा पाया गया है, जिसे आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया, जहां यह किसी अन्य नेत्रहीनों को नई रोशनी प्रदान कर सकेगा। शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से यह भवानी मंडी से प्राप्त 40वां नेत्रदान है एवं इस वर्ष का यह 9वां नेत्रदान है। इससे पहले दिनांक 6 जनवरी 2021 को सुनील जैन एवं दिनांक 25 जनवरी को श्रीमती अनिता शर्मा का, 10 फरवरी को मोहन लाल वरंदानी, 8 मार्च को भंवरलाल माहेश्वरी, 9 मार्च को रुक्मणी देवी पोरवाल, 11 मार्च को नंदलाल आहूजा का एवं 11 जुलाई को धापूबाई राठौर नेत्रदान, 6 अगस्त को केसरीलाल नागर का नेत्रदान इस वर्ष में भवानी मंडी से प्राप्त हो चुका है। कमलेश दलाल ने बताया कि सेना में कैप्टन के पद से सेनानिवृत्त होने के बाद दुर्गा शंकर नागर क्षेत्र में प्रसिद्ध कथावाचन के रूप में लोकप्रिय रहे हैं एवं आप इसीलिए मनु महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आपने भगवत